नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की। खबर पीलीभीत से, राजनीति की नहीं मुझे इंसानियत की परवाह है, सांसद ने कहा। जनसंवाद कार्यक्रम में बोले सांसद वरुण गांधी। दो दिवसीय जनपद दौरे पर पीलीभीत पहुँचे सांसद वरुण गांधी ने कस्बा गजरोल में राष्ट्रीय सिख महासम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि इस देश के सबसे बहादुर, सबसे वीर, सबसे समर्पण, सबसे बड़े सेवकों को मेरा नमन है। यह जो समाज मेरे सामने बैठा है उसका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। सिखी का संदेश हर गरीब, मजदूर, मजलूम आदमी, कमजोर आदमी की रक्षा करना और हर जुल्म के सामने एक दीवार की तरह खड़े रहना है। यह ऐसी कौम है, ऐसा धर्म और ऐसी जीविका है जिसने हमारे देश को न केवल सेवा दी बल्कि अपना खून और पसीना तक दिया है। सांसद ने कहा कि इस कौम के लोगों का देश हित में अपने बेटों का समर्पण करना वह बहुत बड़ी बात है और देश हित में सिखों ने यह साबित कर दिखाया कि देश पर बहुत बड़े हमले हुए लेकिन यह कौम कभी ना तो पीछे हटी और ना ही कभी झुकी है। इस कौम में सेवा, देश सेवा में सरहद पर जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तो वह पहले सांसद थे जिसने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 500 लोगों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा नमन है ऐसे समुदाय को। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि अधिकांश लोग रुपए के लिए राजनीति में आते हैं लेकिन मैं समाज हित के लिए राजनीति में आया हूँ। मैंने अपने वेतन का आज तक एक रुपया भी नहीं लिया है। जो हमारा वेतन होता है वह उन किसानों के परिजनों की मदद के लिए जाता है जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले 15 सालों में से मैंने एक भी रुपये नहीं लिया। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि मैंने अपने पिता से एक बात सीखी जो आज भी अमल में लाता हूँ। उन्होंने कहा कि मीठी मीठी बातें करना मेरे बस की बात नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला नेता हूँ। सांसद ने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई थी। देश का मैं अकेला सांसद हूँ जिसने किसान के लिए आवाज उठाई। मैंने आज तक राजनीति की परवाह नहीं की, मैंने इंसानियत की परवाह की है। मैंने यह देखा है कि देश में अगर किसान की आवाज दब गई तो इस देश का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सांसद ने यह भी कहा कि यहाँ भी किया जनसंवाद। आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी दो दिवसीय दौरे पर जब रविवार को पीलीभीत पहुंचे तब कमरिया पुल पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सांसद ने अमरिया ब्लॉक क्षेत्र के जंगरोली, आशा, गनपुर, सिखलापुर, धनकुनी, धनकुना व चहलोरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। गजरोला में सिख सम्मेलन के बाद सांसद वरुण गांधी पूरनपुर ब्लॉक के ग्राम उदय करनपुर गुरुद्वारा ढक्का चाट खिड़किया बरगदिया व चंदिया हजारा आदि ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों में शरीक हुए और जनसंवाद के बाद जन समस्याएं भी सुनी। और अमरिया व पूरनपुर ब्लॉक में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद सचिव कमलकांत, प्रतिनिधि रमेश लोधी, प्रमोद पटेल, आत्माराम, ललित वर्मा, वीरपाल, भगवान दास, भूपराम, दीपक पांडे, सूरज शुक्ला, राजू आचार्य, प्रदीप जायसवाल, लल्लन आदि उपस्थित। पीलीभीत से संवाददाता निजाकत अली की रिपोर्ट। देश के सबसे बहादुर, सबसे वीर, सबसे समर्पणकारी, सबसे सेवा में आगे और सबसे कट्टर राष्ट्रभक्त कौम को मेरा नमन, झुकते हुए नमन सबको। मेरे लिए सबसे गौरव की बात है यहां पे आके कि जो समाज आज मेरे सामने बैठा है और जो मेरे संग बैठा है यहां पे, वो मेरे लिए केवल एक समाज ही नहीं है, इस समाज का खून मेरे रगों में दौड़ भी रहा है। ये बात भी मत भूलना, हम लोग यहां पे इसलिए इकट्ठा हुए ताकि जो
सिक्खी का संदेश कि हर गरीब, हर मजलूम, हर मजबूर, हर कमजोर आदमी की रक्षा करना और साथ साथ हर जुल्म के सामने एक दीवार की तरह खड़ा रहना, ये दोनों चीज का संदेश आज सब लोग यहां देने के लिए आए। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये एक ऐसी कौम है, ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसी जीविका है जिसने हमारे देश को न केवल अपनी सेवा दी, न देश के लिए अपना पसीना दिया, न देश के लिए केवल अपना अन्न पकाया और अपने खून से पैदा किया, लेकिन इस देश के लिए कभी नहीं सोचा कि देश हमारे को क्या दे रहा है। हमेशा यही सोचा हम आगे जाके देश को क्या दे सकते हैं। जिसके पास देने को कुछ नहीं है, माफ करिएगा, जो बिल्कुल बहुत बुरे हालत में है, वो अगर अपना समर्पण करे तो चलिए उसकी कीमत है, उसको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन जो जमींदार आदमी होता है, जो सरमाएदार होता है, जिसकी एक बहुत लंबी तहकीकात है, जिसका एक बहुत ऊंचा नस्ल है, जब वो अपने बेटों को मरने के लिए सरहद पे भेजता है तो उसकी कीमत और ज्यादा होती है। हमारे देश के सिखों के ऊपर हमेशा अत्याचार हुए, चाहे पुराने 500 साल 700 साल पहले पंजाब के ऊपर हमले पर हमले हुए, तब भी इस कौम के ऊपर कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये कौम कभी ना झुकी, ना ये कौम कभी बिकी, ना ये कौम कभी डरी, ना ये कौम कभी पीछे मुड़के इसने देखा। मैं जब चुनाव लड़ा वो बातें बहुत मामूली, तो उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, बट मैं दो तीन चीज कहना चाहता हूं कि मैंने सिक्खी से सीखा क्या, मैंने कौन सी सीख ली इस धर्म से। जब मैं पहली बार चुनाव जीत के गया तो मुझे याद है मैं अमरिया में था, कड़ेपुरा साइड में, कुछ बुजुर्गों ने मुझे कहा कि बेटा तुमको जिता तो दिया है लेकिन एक काम हम तुमको बताना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप हुक्म करो। तुमने कहा बेटा हमारे समाज में हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा हम तुमको एमपी बना के भेजे हैं लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी कि जवाहरलाल नेहरू जिसके तुम नाती हो, जब वो पहली बार सदन में गए प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपये तनख्वाह लूंगा प्रधानमंत्री के, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ताकि मेरा पैसा देश में बांट देना जहां जरूरत है। और वो मेरे बड़े बुजुर्ग ने मुझे कहा सिर पर हाथ रख के कि बेटा उन्होंने तो 1 रुपये लिया, हमारे दिल की आवाज ये कि तुम 1 भी रुपये ना लो। इसलिए इन 15 साल में जो आपने मुझे 2 बार जिताया, सुल्तानपुर से 1 बार मैं चुनाव जीत के गया,
मैं अकेला सांसद हूँ, आपके आशीर्वाद से और आपसे सीख के मैंने एक रुपए भी कभी सांसद की तनख्वाह नहीं दी, और हर महीने जिस देश के किसान ने आत्महत्या की उसके परिवार को मेरे सांसद के तनख्वाह पर चेक सीधे चला गया। सांसद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं।